कोरोना आंशिक कर्फ्यू से जहां कोरोना संक्रमण पर प्रभावी लगाम लग सका, वहीं कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए शासन द्वारा रविवार एवं शनिवार को साप्ताहिक बंदी घोषित किया गया। साप्ताहिक बंदी के दौरान शनिवार को चेतना तिराहे पर SPCT के नेतृत्व में डायल 112 की गाड़ियों द्वारा महानगर में किए गए बैरिकेटिंग और बंदी का पालन कराने के लिए ब्रीफिंग किया गया तथा उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में रवाना किया गया। इसके अलावा चेतना तिराहे पर वाहनों का चेकिंग कर अनावश्यक घूम रहे लोगों का चालान भी किया गया, जिससे साप्ताहिक बंदी का कड़ाई से पालन कराया जा सके। इसके अलावा सिटी मॉल रोड, यूनिवर्सिटी चौराहा, इंदिरा बाल विहार तिराहा, GDA टावर रोड, चेतना तिराहा पर भी नाइट कर्फ्यू का पालन कराया गया। इस संबंध में SPCT सोनम कुमार ने बताया कि 28 जगहों पर बैरिकेटिंग कर पुलिस लगातार कोरोना कर्फ्यू का पालन करा रही है तथा अनावश्यक सड़कों पर घूमने वाले लोगों का चालान भी किया जा रहा है। SPCT ने लोगों से अपील किया कि अनावश्यक सड़कों पर ना घूमें तथा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, जिससे वैश्विक महामारी कोरोना को खत्म किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SPCT सोनम कुमार ने कहा, Thank you.
ये आंशिक कर्फ्यू है, कल रात 7 बजे से ही प्रारंभ हो गया था। इसमें सिर्फ आवश्यक जो दुकानें हैं उनकी ही छूट दी गई है, और जो भी व्यक्ति बाहर निकल रहे हैं, कोई आवश्यक कार्य से निकल रहे हैं तभी उसे अलाउ किया गया। इसके लिए 28 जगह पे हमने चेकिंग बैरियर्स लगाए हैं, और ट्रैफिक डिवर्जन के लिए हमने 10 अलग से बैरियर लगाए हैं। सभी CEO, SHO और सब इंस्पेक्टर्स को निकाला गया क्षेत्रों में, और इस आंशिक कर्फ्यू को अनुपालन कराया जा रहा है। सर, रात्रि में भी सेम ही रहेगा, ये 2 दिन का आंशिक कर्फ्यू है पूरा, और जो भी अगर अति आवश्यक कार्य हो तभी घर से बाहर निकले, अन्यथा बाहर ना निकले। सर, जो अनावश्यक दुकानें खोल रहे हैं, जो अनावश्यक दुकान खोल रहे हैं उनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। धारा 188 IPC का महामारी अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है।